हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है तो दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं आपका जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों यूपी ट्रिपी एस का वीडियो भर्ती दो का री एग्ज़ाम तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको रीजनिंग की कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए रीजनिंग के लिए ठीक है और दोस्तों अगर आप रीजनिंग की फ्री की तैयारी करने के इच्छुक हैं वीडियो भर्ती के लिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग की फ्री कम्प्लीट तैयारी करा दी जाएगी ठीक है और दोस्तों अगर आप अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं किताबों से तो उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए ठीक है क्योंकि दोस्तों जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है हो सकता है और दोस्तों अगर आपका पी का जो पेपर हुआ था अगर वो आपका अच्छा नहीं हुआ यानी कि उसमें आपकी लेखपाल भर्ती के लिए आपके पास कॉल मुख्य परीक्षा बैठने के लिए आपका कॉल नहीं आता है तो समझ लो आपका वीडियो भर्ती अच्छा मौका है आप आपके पास जॉब लेने का और साथ दोस्तों इसमें जो पता होगा आपको इसमें आपका मैथ भी नहीं पूछा जाता है तो जिन छात्रों का मैथ कमजोर है उनके लिए भी अच्छा मौका है इसमें लेकिन दोस्तों जो आपकी रीजनिंग आती है वो आपके अच्छे खासे लेवल की आपकी पूछी जाती है इसमें ठीक है जो आपका एस का लेवल होता है उससे आपका हाई लेवल रीजनिंग इसमें पूछी जाती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं देखिए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से आपके दो में क्वेश्चन पूछे गए थे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका श्रेणी क्रम से क्वेश्चन पूछे गए थे अब देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम से आपको कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है एक दोस्तों बनता है आपका जैसे ये दे रखा हो ए बी ब्रैकेट में यानी खालिस्थान बी सी पी सी ए तो यहाँ पर क्या आएगा इस तरह से बत बताओ आप ठीक है एक ये बनता आपका है आपकी संख्या दे रखी कोई बारह तेरह छियानवे दो सौ पिचासी आगे आपकी कौन सी संख्या आएगी एक ही आपका ये पैटर्न हो गया एक पैटर्न दोस्तों ऐसा होता है आपका संख्या और आपका लेटर दोनों मिक्स होते हैं जैसे बी टू एफ एट ठीक है जे थर्टी टू एन वन ट्वेंटी एट तो आगे आपका क्या आएगा इस टाइप का हो गया या दोस्तों एक ऐसा होता है जिसमें आप केवल आपके लेटर इधर रखे होते हैं जैसे बी एस सी ठीक है सी ए बी हो गया आपका डी ए ई हो गया इस बार ई ए डी हो गया उसके बाद आपका क्या आएगा तो इस टाइप के आप क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और अगला टॉपिक दोस्तों आपका आता है औबंधिक संख्या या अक्षर एवं प्रतीक तो देखिए इसमें दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कुछ आपकी संख्या दे रखी होती है अक्षर दे रखे होते हैं प्रतीक दे रखे होते हैं जैसे दे दिया आपका हैज ठीक है हैज दे दिया यहाँ पे दे दिया वन टू एट द रेट यहाँ पर फाइव दे दिया फिर टू दे दिया फिर दे दिया आपका माइनस कुछ भी दे सकता है आपका स्टार दे सकता है ठीक है फिर पाँच फिर दो तो ये चार दो तो इसमें पूछ सकता है आपसे कि ऐसे कितने पाँच हैं कि जिसके आगे आपका प्रतीक आया है जैसे यहाँ प्रतीक आया यहाँ आया है यही पूछ सकता है ऐसे पाँच कितने हैं जिसके पहले प्रतीक आया और बाद में आपका दो दो संख्या ना हो ठीक है इस टाइम से कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है तो ये आपको तैयार करने हैं या दोस्तों एक ऐसा होता था जैसे कोई आप लेटर देखा होगा उसने पूछ लेगा कि पहले अक्षर को लास्ट से चेंज किया जाता है दूसरे को सेकंड लास्ट से तीसरे को थर्ड लास्ट से तो यही क्रम आपका जारी होता है तो आखिरी जो आपको संख्या बनेगी ना नया लेटर जो बनेंगे उसमें पाँचवा लेटर कौन सा होगा या चौथा लेटर आपका कौन सा होगा इस टाइप से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है या ये पूछ लेगा कि एक लेटर दे देगा उसमें कि इनके लेटरों के अक्षरों के बीच में कितने शब्द ऐसे हैं कि जो आपका उतने ही शब्द हैं जितने आपके अंग्रेजी वर्ण वाला में आते हैं तो दोस्तों ये सारे चैप्टर मैंने अपने चैनल पर आपको कम्प्लीट कराए है हुए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो फिर दोस्तों आपका आता है शब्द तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है आपके चार या पाँच आपके लेटर दे रखे होंगे आपके एग्जाम में ठीक है तो उसमें उसमें पूछ लेगा इनको क्रम से लगाओ कि कौन पहला है कौन लास्ट में आएगा और वो पता है दोस्तों ए बी सी डी इसी क्रम में आपको लगाने होते हैं जैसे यहाँ पर दे दीदी आपका लेटर लिखा हुआ है डबल टी आर तो यहाँ पर एल ए डबल टी आर लिखा हुआ है तो देखिए आप समझ सकते हो इसमें देखिए पहले कौन सा आएगा दोनों में एल एल है जहाँ पर ई है दूसरे पर यहाँ पर ए है तो ए पहले आएगा आपका ये दूसरे पर आएगा इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं फिर दोस्तों अगला टॉपिक आता है आपका समीकरण तो देखिए यहाँ पर क्या बनते हैं देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कि गुणा को प्लस से चेंज कर दो ठीक है प्लस को गुणा से चेंज कर दो माइनस को आपको भाग से चेंज कर दो भाग को आपको माइनस से चेंज कर दो और साथ ही आपकी एक समीकरण को दे देगा जैसे पैंतालीस प्लस दो माइनस माइनस के पचहत्तर ठीक है और आपको भाग पंद्रह इस टाइप दे देगा तो पूछेगा इसमें इसका आंसर क्या आएगा चार ऑप्शन होंगे या कुछ समीकरण कौन सी समीकरण इसमें गलत है चार समीकरण दे देगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है फिर दोस्तों अगला आपका आता रक्त संबंध तो यहाँ से दोस्तों दो टाइप क्वेश्चन आते हैं एक तो आपका आता है कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उसने ऐसे बोला ठीक है और दूसरा दोस्तों आपको ये आ जाएगा जैसे ए प्लस क्यू ए प्लस बी है ए, ए प्लस बी ठीक है इसमें बोलेगा कि ए जो मतलब बी का पा पापा है पिता है ठीक है फिर दे देगा ए माइनस बी यानी कि इस टाइप से आपके कुछ संकेत दे रखे होते हैं उस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा आता है आपका फिर दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग तो यहाँ भी देखिए आपको कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक ऐसा बन जाता है कि काले को लाल कहा जाता है लाल को पीला कहा जाता है पीले को हरा कहा जाता है हरे को नीला कहा जाता है तो आकाश का रंग क्या होगा ठीक है इस टाइप से कि, कि मानव रक्त का आपका रंग क्या होगा ये हो गए और वैसे आपके लेटर वाए जाते हैं ठीक है और एक होता है साधा इसमें क्या होता है जैसे आपको चार ऑप्शन दे देगा ठीक है कि पहले का संबंध दूसरे से है तो तीसरे का संबंध आपको किससे होगा चार ऑप्शन को इसमें बताना होगा आपको फिर दोस्तों आपका डी हो गया यहां पर डी से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे और कई सेफ्टर दोस्तों डी से, से केवल आपका एक एक क्वेश्चन पूछा गया था जैसे बार ग्राफ है लाइन ग्राफ है ठीक है उनसे एक एक क्वेश्चन आपके पूछे गए थे फिर आपका रैंकिंग है तो रैंकिंग से क्वेश्चन बन सकता है पहली परीक्षण से जैसे दोस्तों एक इमारत में कुछ लोग आपके रहते हैं ठीक है तो उसमें पूछ लिया आपका कितने सदस्य कौन से फ्लोर पर कौन सा रहता है मंजिल दे रखी है और साथ में उनका व्यवसाय क्या है क्या काम करता है कौन से सदस्य ठीक है इस टाइप क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लेकिन दोस्तों यहां पर कैलेंडर क्लॉक घन गहन घना पासा दिशा और दूरी इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए लेकिन दोस्तों आपको उनको छोड़ना नहीं है कि हो सकता है इस बार आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए तो सारा कुछ दोस्तों पढ़ना है तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे ठीक है और आप कोई डाउट हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो और जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी एक दिन में वैसे दोस्तों अभी तक आपके रीजनिंग के लिए इकतीस वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं जिसमें से सात या आठ चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसके आगे चैप्टर जल्दी ही आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे ठीक है और दोस्तों इसके बाद पूछा गया आपका लॉजिकल रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आपके आठ से दस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे जैसे आपका न्याय निगम हो गया चैप्टर इसमें यानी जिसको सिलॉक्स बोलते हैं कथन निष्कर्ष कथन कारण कथन पूर्व पूर्वधारणाएं कथन तर्क कथन कार्यवाही कथन प्रभाव इन लगभग इन सभी चैप्टर को मिलाकर आपके आठ से दस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे अब देखो देखिए दोस्तों होता क्या है कि इन चैप्टर को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों इसके लिए आप कोई बुक मार्केट से पढ़ सकते हो मैं बताने वाला हूं कौन सी बुक आपको पढ़नी है ठीक है और बस दोस्तों इन सभी चैप्टर को आपको देखिए थोड़ा थ्योरी वाइज आपको पढ़ा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से ठीक है तो जितने भी आपके डाउट हैं चैप्टर संबंध वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इसका दोस्तों अगला आपका आता है नॉन बर्वर रीजनिंग तो देखिए यहां पर क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर सादस्यता आती है आपकी जैसे कोई आपको डायग्राम दे रखा होगा फिगर दे रखी होती होगी ठीक है कि पहले का संबंध दूसरे से तो तीसरे का संबंध आपका किससे होगा चार ऑप्शन में उसमें छाँटना होगा आपको बरीकरण दे रखा होगा जैसे चार दे रखें आपकी फिगर कि आपका कौन सा इसमें भिन्न है तीनों से ठीक है जैसे जल प्रतिबिंब आपका आ सकता है दर्पण प्रतिबिंब पूछ सकता है जैसे कोई आपकी इमेज देगी दे दी ठीक है फिगर दीदी कि इससे पूछेगा इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा आपकी वाटर इमेज या इसकी दर्पण इमेज क्या बनेगी ठीक है और कागज़ मोड़ना काटना आकृति देगा दे आपकी उसमें अधूरी होगी कोना उसका पूछेगा इस कोने में कौन सी आपका आकृति पूरी करेगी इसको ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं आप दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन सी बुक मार्केट से पढ़नी चाहिए तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी बुक आपकी मार्केट में आती हैं आपको पता होगा रीजनिंग जो आपके तीन पार्ट में डिवाइड है एक होती है आपकी बर्बल रीजनिंग एक होती है नॉन बर्बल ठीक है एक होती है आपकी लॉजिकल तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है लॉजिकल रीजनिंग में तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको बताने वाला हूँ मैं वैसे हिंदी में इसकी एक बुक सबसे अच्छी एक ही बुक आती है देखिए आप बर्बल के लिए पढ़ सकते हो कोई बुक मार्क जो आपके पास हो ठीक है अरिहन पढ़ सकते हो लूसेंट पढ़ सकते हो के पी सिंह पढ़ सकते हो ठीक है आर एस अखबार पढ़ सकते हो यानी जो दोस्तों आपकी इच्छा हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो लेकिन एक बुक पढ़नी है ज़्यादा बुक आपको नहीं पढ़नी है ठीक है फिर दोस्तों बात करें नॉन बर्बल की तो दोस्तों इसके लिए बुक आती है मार्केट में आर एस अग्रवाल की बहुत बहुत पतली सी बुक है उसको आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बुक है लगभग सौ पेज के आसपास उसमें आपके होंगे पूरा नॉन बर्बल इसमें आपका कवर हो जाएगा ठीक है और फिर दोस्तों एक आती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो इसलिए क्या करना है तो दोस्तों एक बुक आती है आपकी मार्केट में अरहिंद की बुक आती है उसका नाम है बुक का मास्टर रीजनिंग उसमें दोस्तों तीनों चे जो आपकी बरवल नॉन बरवल लॉजिकल तीनों रीजनिंग आपको मिल जाएगी उसके अंदर उस बुक को आप ले सकते हो ये बुक दोस्तों लगभग आपको मार्केट में चार सौ रुपये के आसपास में मिल जाएगी जो उसका लेटेस्ट एडिशन है वो आपको मार्केट से लेना है या दो हजार बीस का हो दो या इक्कीस का हो ठीक है तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो तो तीनों मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों कोई भी पार्ट आपका ऐसा नहीं है जिसको कि आप छोड़ सकते हो आपको तीनों पर फोकस करना पड़ेगा अगर आपको सरअसन लेना है तो क्योंकि दोस्तों पता होगा लास्ट टाइम जो आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की वो दोस्तों आपकी दो सौ ग्यारह मार्क्स दे दी तीन में से ठीक है लेकिन दोस्तों उस समय हो सकता थोड़ा धहदली आपकी हुई थी एग्जाम में लेकिन दोस्तों फिर भी ये मार्क्स इतनी कट ऑफ तो आपकी सवाल भी जाने वाली है सत्तर परसेंट के आसपास कम से कम क्यों जाएगी दोस्तों कि आपका एग्जाम हुआ था वो बाईस और तेईस दिसंबर दो हजार अठारह को हुआ था अब आप दोस्तों आपका एग्जाम होगा मार्च हो, में हो अप्रैल में हो मई में हो ठीक है यानी कि लगभग आपका तीन साल मतलब सवा तीन साल बाद आपको होगा तीन वर्ष तो से मान लो कि तीन साल बाद तो आप सोच सकते हो तीन साल में कितना आपका कमीशन आपका बढ़ जाता है तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और दोस्तों अगर आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग